एक राजा ने श्री हनुमान जी का मंदिर बनवाया और पूजा अर्चना के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े ही भाव से श्री हनुमान जी की सेवा करने लगा। भगवान की पूजा करते करते उसे कई साल बीत गए। राजा रोज पूजा अर्चना के बाद एक फूल की माला श्री हनुमान जी के लिए भिजवा देता और पुजारी वह माला श्री हनुमान जी को पहना देता। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वह माला श्री हनुमान जी के गले से उतार कर राजा को पहना देता। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका और उसने अपने सेवक को बुलाया और कहा कि ये माला लेकर मंदिर जाओ। पुजारी से कहना कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी जी को दे दिया और बता दिया कि आज महाराज का इंतजार न करें। सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला श्री हनुमान जी को पहना दी। फिर उन्होंने विचार आया कि आज तक मैंने श्री हनुमान जी को चढ़ी हुई माला राजा को पहनाता रहा हूँ, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएगा नहीं तो क्यों ना मैं माला पहन लूँ। ये सोचकर पुजारी ने श्री हनुमान जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन लिया। इतने में सेवक भागते भागते आया और पुजारी जी को बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। यह सुनकर पुजारी कांप गया। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होगा। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर श्री हनुमान जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन करने को आया तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वह माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। माला पहन रहे तभी राजा को माला में से एक सफ़ेद बाल दिखा। राजा को सारा माजरा समझ में आ गया। पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकाल कर वापस डाल दी होगी। राजा ने सोचा कि पुजारी ऐसा छल करता है। यह सोचकर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी यह सफेद बाल किसका है। तो पुजारी जी को लगा कि अगर मैं सच बोलता हूं तो राजा दंड देगा, इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी जी ने कहा, महाराज यह सफेद बाल तो श्री हनुमान जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बुगुला हो गया और यह पुजारी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। भला श्री हनुमान जी के बाल भी कहीं सफेद होते हैं। राजा ने कहा, पुजारी जी अगर यह है तो मैं सुबह श्री हनुमान जी के श्रृंगार के समय आऊंगा और देखूंगा कि श्री हनुमान जी के बाल सफेद हैं या काले। अगर श्री हनुमान जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी चढ़ा दूंगा। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। पुजारी जी श्री हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर रोने लगे और कहने लगे कि प्रभु मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है। पुजारी रोकर श्री हनुमान जी से विनती करने लगा, प्रभु मैं जानता हूँ कि आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले की माला मैंने पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते विद हो गया हूँ। यह लालसा रहे कि कभी आपकी चढ़ी हुई माला पहनने का सौभाग्य मिलेगा, इसी लोभ में यह मैंने अपराध किया है। मेरे श्री हनुमान जी पहली बार यह लोभ हुआ था, ऐसी विपत्ति आप पड़ी थी मेरे नाथ। अब नहीं होगा ऐसा अपराध, अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी पूरी रात रोता रहा। सुबह होते ही राजा मंदिर आ गया और उसने कहा कि आज मैं श्री हनुमान जी का श्रृंगार करूंगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो देखकर हैरान रह गया। श्री हनुमान जी के सारे बाल सफेद थे। राजा को लगा कि पुजारी ने जान बचाने के लिए श्री हनुमान जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाता हुआ उसने श्री हनुमान जी के बाल की जाँच करनी चाहिए, बाल असली हैं या नकली। तो ये समझने के लिए उसने श्री हनुमान जी के बाल तोड़े तो श्री हनुमान जी के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने श्री हनुमान जी के चरण पकड़ के क्षमा मांगने लगा तो तब श्री हनुमान जी के मूर्ति से आवाज आई, जब तुमने मुझे आज तक केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं, उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े, वह रक्त भी बहानी पड़ी, ये बात तुझे समझाने के लिए। कहते हैं समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में से भगवान साहब प्राण होकर भक्त से मिलने आ जाएंगे। बोलो जय श्री राम। दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी भक्त और भगवान की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा भक्त की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में और किसी न किसी कारण के माध्यम से पहुँच ही जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और लगा आपको सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह यूज़फुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री राम।